हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सभी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। रोहित ठाकुर ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस हिमाचल की चारों लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ने समस्त हमारे चाहे पार्लियामेंट के 4 सीटों की घोषणा की बात हो, चाहे 6 जगह जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, सभी जगह अपने पार्टी के नॉमिनीज की घोषणा कर चुके हैं। और निश्चित रूप में मैं समझता हूं जिस तरह से एक प्रारंभिक जिस तरह का मैं समझता हूं आउटकम आ रहा है, लोगों का रुझान आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहा है। और साथ ही साथ जहां आपने शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कही है, इसमें तो मैं समझता हूँ प्रथम चरण में हमारे जो हमने जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए थे उसमें हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह जी और हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी जी, तो मैं समझता हूँ लगभग कोई 15-20 रोज पहले उनकी घोषणा हो चुकी थी। और इन दोनों कैंडिडेट्स ने मैं समझता हूँ लगभग प्रथम चरण में अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के अधिकतर चुनाव क्षेत्रों में भ्रमण कर दिया है। बहुत पॉजिटिव एक मैं समझता हूँ अच्छा रुझान है। और साथ ही साथ जो आज बैठक हमने अपनी आज रखी है शिमला संसदीय क्षेत्र की, उसमें हमारे जो इंचार्जेस है, हमारे जो ऑब्जर्वर्स है, पर्यवेक्षक है, उनकी बैठक है ताकि मैं समझता हूँ जमीनी स्तर पे हम फीडबैक ले सके, क्योंकि अब इसके बाद मात्र लगभग कोई 20 दिन के आसपास की अवधि रहेगी। और इस अवधि के बीच में हमारा नॉमिनेशन भी 13 तारीख को विनोद सुल्तानपुरी जी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके उपरांत हमारी एक जनसभा चौड़ा मैदान में भी प्रस्तावित है। और ये 20 दिन का हम अधिक से अधिक जनसंपर्क कैसे करें, इसके बारे में मैं अपने सभी जो शिमला संसदीय क्षेत्र के जो ऑब्जर्वर्स हैं, इंचार्जेस हैं, उनसे फीडबैक लूँगा। निश्चित रूप में इस बारी मैं समझता हूँ सूर्य उदय होगा। और जो जैसे आपने कहा कि 3 मरतबा आपके लगभग कोई 15 वर्ष की अवधि आपकी जो वर्तमान हमारे संसदीय क्षेत्र से जो सांसद रहे भाजपा के रहे, और निश्चित रूप में जो कार्यकाल रहा हमारे भाजपा के सांसद का, विशेष रूप से जो 5 वर्ष का पीरियड निकला है, समय अवधि निकली है, पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।